से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी हम देख रहे हैं कि कम आवकों का जो दबाव है वो मार्केट पर देखने को नहीं मिल रहा है। अभी बीच में हमने आवकों का प्रेशर भी बनते हुए देखा था सोयाबीन का, कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों ने अपनी सोयाबीन निकालने की कोशिश करी थी, कुछ किसानों ने स्टॉक भी कर लिया था। अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं कि जो आवकों का दबाव है वो फिर से बढ़ गया है, मंडियों में सोयाबीन की आवक ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, किसान बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली की वजह से भी जो दाम है वो ज़्यादा नीचे नहीं जा पाया है। इसके बहुत सारे कारण हैं। अभी भी सी जो है, यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी का बयान निकल के सामने आया है कि जो सरकारी उत्पादन अनुमान है सोयाबीन का और जो एक्चुअल आंकड़ा है और जो बाकी व्यापारियों का आंकड़े हैं सोयाबीन के उत्पादन के 2021-22 के, उन दोनों में अंतर है। सरकार के मुताबिक 13 पॉइंट समथिंग मैट्रिक टन का उत्पादन है सोयाबीन का, लेकिन व्यापारी अनुमान के अनुसार 10 मैट्रिक टन के आसपास ही सोयाबीन का उत्पादन अनुमान बताया जा रहा है। तो ये जो गैप है, इसकी वजह से ही जो बाज़ार है वो थोड़ा उथल पुथल हो रखा है, थोड़ी उठापटक इसलिए देखने को मिल रही है। वहीं सी का ये भी कहना है कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि जो एक्चुअल में सोयाबीन का उत्पादन है वो 10 मिलियन टन से भी कम ही है, और इस अंतर की वजह से खाद्य तेल के जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं, और ज़्यादा आवकों के दबाव के बावजूद भी सोयाबीन के जो दाम हैं वो नीचे नहीं जा रहे हैं। और किसानों के पास भी अब ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही कि जो किसान हैं इस बार तिलहन की बुआई ज़्यादा करेंगे 2022 में भी, इसकी वजह से भी जो कीमतें हैं उनको कहीं ना कहीं बल मिलता रहेगा।